हमेशा लोगों के साथ मिलजुल के रहते थे और हमेशा हंसमुख, किसी को गुस्से से कभी देखते नहीं थे। वो हमेशा सबके साथ मिल के रहने वाले ऐसे एक व्यक्ति थे। मेरे को एक बात याद आ रही है कि जब ये आरएस गवई एक यहाँ पर अपर हाउस के चेयरमैन थे महाराष्ट्र के, वो रिपब्लिकन पार्टी के थे, वो और सीएम आर्मोगम दोनों मिलके मेरे कोठी पे आए थे बेंगलोर में जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था। तब बातों बातों में जिक्र आई तो उन्होंने कहा अगर कोई महाराष्ट्र में, जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे देशमुख साहब और जिला पंचायत के भी देखभाल उन्होंने की थी, तब उस वक्त उसके उनके मुंह से निकला अगर महाराष्ट्र में यशस्वी चीफ मिनिस्टर अगर कोई बनने वाला है इस कैबिनेट में तो विलासराव देशमुख बनेंगे। ये उन्होंने मुझे 1980 के अंदर कहा था। ये देखने के बाद, उस वक्त मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था कर्नाटक का, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इन्हों भविष्यवाणी कर रहे और बॉम्बे में उधर इधर बहुत बड़े बड़े लीडर है, अब देशमुख साहब का कैसा नंबर लगेगा, ये मेरे को सोच लगी थी। लेकिन उन्होंने बोला अगर बनना है तो वही बनेंगे और अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए उतने नौजवान यंगस्टर उन्होंने इस महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली और बहुत तरक्की उन्होंने की। ऐसे कम व्यक्ति होते हैं काम करने वाले और आज उनके सुपुत्र भी, जब मैं अमित देशमुख को देखता हूँ तो मेरे को हमारे विलासराव देशमुख की याद आती है। और उनका सारा मिला जुला चेहरा है और वैसा ही जब हमारे धीरज को देखता हूँ उनको उन माता जी को देखे जैसा होता है कि ऐसे जो लोग हैं और इनके ऊपर आशीर्वाद रखने वाले हमारे दिलीप राव देशमुख जिन्होंने खूब संभाल के रखा है, उनका रक्षण किया है। विलासराव देशमुख हम में नहीं है लेकिन दिलीप राव देशमुख उनका जगह लेके सबको संभाल रहे, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पार्टी को एक रखना, घर को एक रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ आपका उत्साह देख के और महाराष्ट्र में जो बड़ा बदलाव करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। महाराष्ट्र की धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, महान नायकों की धरती है,
ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अंबेडकर, ऐसे महान व्यक्तियों की ये धरती है, बड़े बड़े संतों की धरती है महाराष्ट्र। तो ये हमको इस जगह आके बहुत खुशी होती है। अब हम साथी हैं, आपको आजादी कब मिली? देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में, हम और आपको मिली 17 सितंबर 1948 में। तो हम लोग साथी चल रहे हैं और निजाम सरकार जो थी उसको जब भारत आज़ाद हुआ तो हम सब लोग भारत में विलीन हो गए और आज तरक्की के जो रास्ते आप लोगों ने जो खास करके निकाला है वो बहुत अच्छा है। मेरे को और भी खुशी हो गई जब हमारे अमित ने कहा यहाँ पर 2400 करोड़ रुपए अगर एक जगह डेवलपमेंट के लिए आता है, मैं समझता हूँ कोई एमएलए इतना काम नहीं कर सकता जितना उन्होंने बताया। और दूसरी बात ये कहूँगा कि उन्होंने हमको आश्वासन दिया है 6 के 6 सीट हम जिता के लाएंगे, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा भी महाराष्ट्र के कोने कोने में फिर के उन्होंने हमारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जितने भी कैंडिडेट है उसको वो लाएंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि वो हमेशा काम करते रहते हैं। इसीलिए काम करने वालों को मैं चाहता हूं हमेशा, जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको फल भी मिलता है और पार्टी को मजबूती भी मिलती है। भाइयों, ये संतों की जगह है, मैं जगह उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि संत को आप लोग तो पूरे जानते हैं, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, ये जितने भी संत हैं वो सब महाराष्ट्र में ही हो गए हैं, इसीलिए हमारे तरफ भी आपकी छाप है। एकनाथ बोलते हैं, ज्ञानेश्वर बोलते हैं, नामदेव बोलते हैं, ये सब गुलबर्गे में भी, आधा गुलबर्गे में कहीं ना कहीं ये नाम वाले आपको मिलेंगे, यानी ये संतों का छाप गुलबर्गा बीदर में बहुत बड़ा है। तो ऐसे जगह पे हम आए हैं और मारा ये जो महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा देन है। औरंगाबाद में उन्होंने पहला जो कॉलेज खोला, मिलिंद कॉलेज, शायद ही और दूसरा कोई कॉलेज नहीं था इस एरिया में। उसके बाद में बहुत से कॉलेज निकले, लेकिन आज़ादी के पहले जो शिक्षण संस्था काम की वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिलिंद कॉलेज के नाम से उन्होंने शुरू किए थे। बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता भाई मिलिंद ये नाम कहाँ है, किसका है। ये मिलिंद नाम है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसका ग्रेट ग्रैंडसन मिलिंद, उसका नाम था मिलिंडर। वो मिलिंडर जाके आगे वो मिलिंद बन गया हिंदुस्तान में। ऐसे एक महान व्यक्ति जो बुद्ध धर्म में वो आया था, उसको उसके नाम से उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने एक कॉलेज खोली, क्योंकि वो ग्रीक
कंट्री के थे, तो उन्होंने बहुत कुछ बुद्धिज्म अफगानिस्तान में, कजगिस्तान में, इस एरिया में, पाकिस्तान के एरिया में, तक्षशिला, आपको मालूम है बहुत से, मैं हिस्ट्री बोलने नहीं जाता, वहाँ ये थे और उनके गुरु थे नागसेन, और वही नागसेन का वन बोल के औरंगाबाद में उन्होंने रखा। यानी गुरु शिष्यों का नाम पहले बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर औरंगाबाद में रखे, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है। ये शिक्षण का केंद्र है और यहाँ पर ऐसे बहुत चीफ मिनिस्टर बने, बहुत से मराठवाड़ा से, मराठवाड़ा लक्की है, या शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर बने, शंकरराव चौहान बने, शिवराज पाटिल, सुशील कुमार शिंदे, ये बहुत से नेता, और सबसे ज़्यादा विलासराव देशमुख जी यहाँ पर काम किए, इरिगेशन के काम किए, और उसके वजह से दिलीप राव को चांस मिला 6 शक्कर कारखाने बनाने का, क्योंकि ये जो अगर बांध नहीं होते, डैम नहीं होते, तालाब नहीं होते, तो कहाँ से आप गन्ना उगाते थे? ये गन्ना उगाने का जो आपको समय मिला या एक चांस मिला कि विलासराव देशमुख अपने एक कोशिशों से यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वो लगाए, इसीलिए आज मराठवाड़ा संपन्न है। लेकिन एक बात है, मराठवाड़ा खास करके हमारे लातूर जिला, ये सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया है सोयाबीन का, कपास का। सोयाबीन जो ये सेंटर है लातूर, लेकिन सोयाबीन को आज उसका दाम नहीं मिल रहा। मोदी ने तो जीएसटी सबको बढ़ा दिया, सब ट्रैक्टर पे टैक्स लगाया, दूसरे इक्विपमेंट में भी टैक्स लगाया, हर चीज पे उन्होंने टैक्स लगाया जो किसान उपयोग करता है। लेकिन सोयाबीन का जो एमएसपी है वो क्यों नहीं बढ़ाया, मैं पूछ रहा हूं। सोयाबीन का यहां पर आकर फडणवीस ने कहा मैं एमएसपी 6000 रुपए क्विंटल दूंगा, बोला या नहीं बोला? लास्ट जब इलेक्शन में आए थे पार्लियामेंट के, उन्होंने बोला 6000 रुपए क्विंटल मैं एमएसपी वो रेट पे करूंगा, लेकिन वो गायब हो गए। वो तो छोड़िए, अब एमएसपी जो है 4892 रुपए है, वो भी किसानों को नहीं मिल रहा। अब किसान कम दाम में वो बेच रहे हैं और परेशान हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो वायदा करती है वो कभी निभाती नहीं। ये हमेशा आदत है मोदी साहब की, बोले वो पहले क्या बोले, पहले जब वो हुकूमत में आने से पहले बोले, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को कांग्रेस के सरकार ने काला धन भार रखा है, उसको लाकर मैं हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। डाल दिए वो, 15 लाख मिले आपको? अरे ऐसा प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? मैं तो नहीं सुना भाई कोई प्रधानमंत्री ऐसा आके ऐसा बोला फिर निभाया नहीं। आपको दिए होंगे इसलिए आप चुप बैठे बहुत से लोग, अगर नहीं है तो पूरे लोग हाथ उठाओ, नहीं दिए।
इधर के लोग कमजोर हो गए थे, माताएं मां कम हो गए। और मैं 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा आपको, बोला या नहीं बोला? दिया। तो मोदी झूठ है क्या हम झूठ हैं? ये क्यों बोल रहा हूं? जो लोग आते हैं झूठ बोलते हैं, लोगों को फंसाते हैं और हुकूमत में आते हैं, हुकूमत में आने के बाद जनता को भूल जाते हैं। ये है मोदी का। मोदी इतना ही नहीं, किसानों को धोखा दिया। किसानों को बोला कि मैं आपका दाम दुप्पट कर दूंगा, आपकी आमदनी दुप्पट करूंगा। डबल हो गई आपकी आमदनी। अरे MSP नहीं दे रहे, जो बोले वो नहीं कर रहे। वो मराठी में कहते ना, बोले जैसा चाले त्याची वंदावे पावले। पावले है? नहीं, उनके पैर छूना बोलते हैं जो सच बोलता। अब ये सच नहीं बोलता, इसको क्या करना चाहिए? अरे आप बोलो भाई, आपको दर्द नहीं हुआ? ये झूठ, ये किसानों को झूठ, युवकों को झूठ, और 15 लाख रुपए देने का झूठ, और गैस सिलेंडर का तो ऐसा प्रचार कर लिया। मेरा दुख, बहुत दुख होता है, मतलब फार दुख होता है। ज्या वेळेला मी आमच्या आई बहिणींना बघतो जे चुलीवर बसतात, लाकडं जाळतात, ते त्या वेळेला ते धुवा निघतंय, ते धुवा जेव्हा डोळ्यात जातंय, डोळ्यातून पाणी येतात, तसं मला सुद्धा पाणी येतंय। म्हणून मी गॅस सिलेंडर फ्री करणार आहे म्हणला। आता किंमत वाढवत चाललंय। एवढं खोटं बोलतोय, पण जे काही खोटं बोलतोय रेटून बोलतोय। आणि तुम्ही लोक समजता अरे हे खरं आहे, असं माणूस प्रधानमंत्री देशाचा निवडून आलेला आहे तर हे काँग्रेसवाले उगी असं सांगतात म्हणून। आणि मी पुन्हा आपलं जे हे आहे MSP रेट आहे कपासचं, कॉटनचं, ते आम्ही 2000 असलेलं 2500 रुपये प्रति क्विंटल कम में बिक रहा है, उसको हम MSP के साथ जोड़ के वही रेट देंगे जो फिक्स किया हुआ है। और मोदी जी अपना जो दोस्तों को तो वो बहुत बढ़ा रहे हैं, उनके सिर्फ दो ही दोस्त हैं। कौन कौन? अदानी एंड अंबानी। अरे आणखीन फार श्रीमंत लोक आहेत त्यांच्या बरोबर। जवळजवळ ह्या देशात 5% लोकाजवळ 62% देशाची संपत्ती आहे। किती आहे? 62%। आणि 50% गरीब जे आहेत त्यांच्याजवळ केवळ 3% संपत्ती आहे देशाची, 3%। म्हणजे हे गरीबाला मदत करणार आहेत का श्रीमंताला, ह्याच्यावरून बघून घ्या, देख लीजिए। 10%, 5% लोकों के पास 62% है, और देश के 50% लोगों के पास 3% है। ये मोदी की सरकार, ये फडणवीस की सरकार, ये शिंदे की सरकार, ये अजीत
रिसेंटली ज्वाइन हो गए ना उनका ना, अजीत पवार जी की सरकार। अरे भाई क्या देख के गए आप लोग? सो ये सब अगर मैं बोलूंगा तो गलत नहीं होगा, वैसा ऐसा करके चोरी करके सरकार बनाए हैं। ये तो चोरों की सरकार है। ठीक है ठीक, आता पन्नास खोके जे घेतलेत ना त्यांना घरी बसवा, आता घरी आता घरी बसवण्याची वेळ आहे। हेच संधी आहे, हे संधी चुकली तर तुम्ही राहणार नाही। महाराष्ट्रामध्ये रोज 7 लोक शेतकरी आत्महत्या करतात रोज। आतापर्यंत ऑक्टोबर पर्यंत ह्या वर्षी 2336 किसानों की आत्महत्या हो गई। ये उनके आंकड़े ने हमारे नहीं है, वो जो यहाँ के असेंबली में बोले हैं वही आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे जो झूठ बोलते हैं, और मोदी जी जो झूठों का सरदार है, तो इनको जरा दूर रखना चाहिए। हम उनका अपमान करना इसलिए नहीं बोल रहे, भाई झूठ बोल के क्यों वोट लेते हो? आपकी विचारधारा बोलो, आपकी आइडियोलॉजी बोलो, त्या विचारातून तुम्ही सांग विचारा लोकांना, हे विचारधारा माझी आहे याच्यासाठी मत द्या असं विचारा। ते सोडून भाई और बहनो, मैं वो देऊंगा, मैं ये देऊंगा, क्या दे रहे हैं आप? सबको जो दे रहे हैं वो झूठ वायदे, और उससे देश बढ़ने वाला नहीं। ये देश अगर बड़ा है आज, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजह से बना, बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े बड़े डैम बने, और इस देश में अन्न नहीं मिलता था। अमेरिका से हम अनाज लाके खाते थे, गेहूं लाके देते थे हम, लेकिन आज ग्रीन रेवोल्यूशन करके कांग्रेस पार्टी सबको अन्न दे रही है। फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लाया, मनरेगा हमने लाया, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्राइमरी का हमने किया। तुम क्या किए? तुम कुछ नहीं, सब बंडल मारना, बंडलबाज। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे साथियों को ये पूछना चाहिए जब वो आएंगे, भाई क्या दिए आप? अगर देखो कर्नाटक में मां लक्ष्मी योजना हमने की, वहां पैसे दे रहे हैं 2000 रुपए, यहां पर 1500 दे रहे हैं। नहीं वो कितनी देव लाल है? अरे आम्ही 3000 रुपये देणार तुम्हाला, आमची सरकार आल्या। 3000 पाहिजे का नको? अरे ज्यांना पाहिजे ते हात उठवा। माझ्या आईनो तुम्ही हात उठवा, हम देख के रहेंगे, चुप बोल के नहीं जाएंगे, देंगे। 4000 रुपए हमारे युवकों को स्टाइपेंड के रूप में काम मिलने तक एक पीरियड फिक्स करते हैं, जिसके लिए आप कोशिश करना पड़ता है स्किल डेवलपमेंट, उसके उनको 4000 रुपए महीना हम देंगे। हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है, और दूसरों का जैसे सिर्फ झूठे बातें नहीं करेगी,
हम जो भी करेंगे गरीबों के लिए करेंगे, और गरीबों के लिए जो इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू किए, सोनिया गांधी जी किए, वो लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ के जो जा रहे हैं वो मराठवाड़ा के लोग सबसे आगे हैं। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा अगर मजबूती मिली है तो मराठवाड़ा में मिली है, विदर्भा में मिली है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में मिली है, और बॉम्बे में भी हम अपने पैर मजबूत रखे हैं। लेकिन चंद लोग भड़काते हैं क्योंकि ये झूठों की सरकार है, ये झूठ बोल बोल के ऐसा ही चला रहे। बहुत से लोग भाग गए, वो बीजेपी के ईडी को डर के भाग गए, सीबीआई को डर के भाग गए, सीबीसी को डर देख कर भाग गए। ये भागने वाले बहुत है। एक बार जो भाग के गए उनको फिर मत लाना, क्योंकि फिर वो आपको लूटेंगे। इसीलिए ये लातूर जिला जो है कांग्रेस का मजबूत एक गढ़ है, और ये एक जमाने में लातूर जिला इत एक किला है, आणि हे राष्ट्रकूटाच्या वेळेला राजधानी सुद्धा होती, माहित आहे तुम्हाला? तो राष्ट्रकूटाच्या वेळेला राजधानी होती, इथून पुन्हा ते आमच्याकडे आली, असं जवळचा संबंध जे आहे ते सांगू लागलो। पण हे लातूर पक्का काँग्रेस आहे आणि काँग्रेसचे विचारधारावर चालणार आहे, म्हणून आपण नेहमी ह्या पक्षाला मदत करत आलात, ते आपली आपला आशीर्वाद आम्हाला पाहिजे। हम ये जानते हैं कि आप लोग हमको आशीर्वाद करेंगे, और मोदी जी जो झूठ बोल के जाते हैं वो हर जगह फिर रहे हैं। अब वह म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में आएंगे, इसलिए अमित देशमुख जरा देख लीजिए, क्योंकि वो एमएलए इलेक्शन में आते हैं, एमपी इलेक्शन में भी आ रहे हैं, कितना फिर रहे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतना फिर रहे, इतना फिर रहे, पूछो मत। अरे हम संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ बोल के हम फिर रहे हैं। इन्होंने मेरी कुर्सी बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ ये बोल रहे हैं। तो भाइयों, आपको सबसे ज्यादा मैं खास करके पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटीज और सब गरीब लोगों को, सब जात में गरीब लोग हैं, इनको कह रहा हूं, तुम्हारा हकूक, तुम्हारे हक अगर किसमें है, तुम्हारी हिफाजत अगर किसमें है, तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखा हुआ संविधान में है। संविधान चले गया तुम कहीं के नहीं रहेंगे, संविधान जो लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर उसको टिकाना है ना। ये तो है, ये संविधान है, इसको भी मोदी के लोग बहुत मजाक उड़ाए। भाई राहुल जी जब लेके दिखाए उनको, अब भाई कोरे पन्ने हैं बोल के दिखे, ये कोरे पन्ने हैं, और यही लाल ऐसा कवर लाल है भाई, अंदर तो जान है ना, हर लोगों की हिफाजत इसमें है। लेकिन मोदी जी नक्सलाइट का है, कम्युनिस्ट का है, क्या क्या की बोले, और ऐसी ही बुक मोदी जी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त जो थे कोविड, वो कोविड को उन्होंने यही बुक दिया है, ये देखिए, ये बुक दिया। फिर मैं बोलूं मोदी जी को,
अरे नक्सलाइट है मोदी, नहीं आप बोलिए हमारे हाथ में है तो ये नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, अब इनके हाथ में है तो ये दोनों नक्सलाइट है, बोलो। ऐसे झूठ बातें बोलते हैं। अरे भाई तुम प्रधानमंत्री हो, तुम कोई एक स्टेट के मंत्री नहीं या चीफ मिनिस्टर नहीं, 140 करोड़ जनता के मुखिया हो, लेकिन आज वो सब भूल गए हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि वो सिर्फ आरएसएस बीजेपी क्या बोले, जब अंबेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तब उन्होंने ये बोला कि ये मनुस्मृति के तत्वों पर आधारित नहीं है, इसीलिए उन्होंने जला दिया। दिल्ली में रामलीला मैदान पे अंबेडकर बनाया वो संविधान और नेहरू जी की फोटो, गांधी जी की फोटो, तीनों को उन्होंने जला दिया। और ऐसे लोगों को आप वोट देते हैं? मैं पूछता हूं, वही लोग है बीजेपी में, वही लोग है आरएसएस में जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को विरोध किया है, तेज लोग है जे बाबा साहब अंबेडकर ने बनो ले लो जे संविधान आए त्या संविधान ला, यानी रामलीला मैदान वर ज्या वेळेला हे बाहेर आला त्या वेळेला हे जाळून टाकले। और ऐसे लोगों को तुम चुप बैठाने देते, छोड़ते, उसका बदला ले, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसे भाषण सुनेंगे चले जाएंगे। मैं इसीलिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ये कहने आया हूं, तुम्हारे नौकरियां जा रहे, तुम्हारे को बैकलॉग वैकेंसी नहीं मिल रहे, नए भर्ती नहीं हो रहे, क्योंकि नए अगर भर्ती हो गए जितने वैकेंसीज है तो उसमें फिर ये लोग आएंगे, तो इसीलिए उन्होंने रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिया है। और अगर हमारी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी हुकूमत में आएगी तो हम 2,50,000 नौकरियां जल्दी भर देंगे और बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करेंगे और इन्वेस्टमेंट लाएंगे महाराष्ट्र में, लातूर में भी आएगा, हर जगह जो इन्वेस्टमेंट मोदी अपने घर को भेज रहा है वो सब महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में आएगा। और ये आपको तो हमारे अमित भाई ने बताया कि महालक्ष्मी योजना युकाना म्हणजे 4,000 रुपयाचं मी सांगितलं, त्यांनी सांगितलं कुटुंब रक्षण हे 25 लाख रुपये इन्शुरन्स आणि औषध फ्री, ह्याचंही आमचं एक पॉइंट आहे। त्याने समतेची हमी हे जाती जनगणना आणि 50% आता जे सीलिंग आहे ते 50% सीलिंग आम्ही काढून सगळ्यांना न्याय देऊ, ओबीसीला न्याय देऊ, बाकीच्या लोकांना न्याय देऊ, आणि आमचं ध्येय काय आहे, सगळ्यांना ह्या देशाचं स्वातंत्र्य झाल्यानंतर जे मिळायचं आहे ते मिळालं पाहिजे, ह्यासाठी आम्ही जातीय जनगणना करत आहोत। एकदा जातीय जनगणना झाली तर तुम्हाला माहीत होईल की कुणाच्या घरात किती ग्रॅज्युएट आहेत, कुणाची इन्कम किती आहे, कोण कितीपर्यंत शिकलेला आहे आणि कुठं नोकरी आहे, हे सगळं माहीत होईल, त्यानुसार आपण लोक
त्यांना आपल्या सरकारमध्ये व्यवस्थित रीतीनं त्यांना मदत करायचं हे ठरवलंय, म्हणून हे जाती जनगणना बॅकवर्ड क्लासेस राहू दे, दुसरे कम्युनिटीचे राहू दे, ते आम्ही करत आहोत। त्याला सुद्धा मोदी म्हणतात हे बॅकवर्ड को तोड दे रहे, अलग कर रहे, एससी एसटी को फोड़ दे रहे। अरे फोड़ने वाले आप ही हो भाई, हम नहीं। बांटो और क्या, बटेंगे तो कटेंगे। कौन मनते हे यादव अपने त्यागी योगी योगी सॉरी योगी मनता योगी साधु है पाप विचारे थे कस का आले हाथ मला माहित नहीं। आणि मोदी जी काय म्हणतात, एक है हा, अरे एक है तो सेफ है, हे त्यांचं म्हणणं आहे। तो इसीलिए मैं दो मिनट और आपका लेता हूं और मैं अपने बातों को खत्म करता हूं। भाइयों, एक छोटी सी शायरी आपके सामने पेश करूंगा और उससे आपको मदद मिलेगी कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हिंदू या मुस्लिम के ऐसा साथ को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के ऐसा साथ के मत छोड़िए छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूं, कोई शक, कोई मंगोलियन है, दफन है जो बात, दफने हैं जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। छेड़िएंगे एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़ेंगे एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ये अदम गौड़ी का है, उसने ये कहा, मत छोड़ो भाई।